Hey guys, welcome back to my new vlog. तो कैसे आप लोग, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी मैं नहाते हुए रेडी हो गया हूँ। अभी जाना है मुझे थोड़ा सा हॉस्पिटल, जो बताया था मैंने आपको कि मम्मी के साथ जाना है हॉस्पिटल, मुझे वहाँ से आऊँगा। देन उसके बाद फिर ओपन करूँगा अपने क्लाउड किचन को, तो ऑफ करके जाऊँगा थोड़ी देर के लिए। जैसे ही मैं हॉस्पिटल से वापस आया तो मेरे पास ये ऑर्डर आ गया, जो कि था आपका पनीर एंड कॉर्न पिज्ज़ा का और एक मिस्टर मोटू बर्गर का। ये मेरे रेगुलर कस्टमर हैं जिन्होंने कई बार मेरे यहाँ से ऑर्डर प्लेस किया है और हर बार इनका सेटिस्फेक्शन लेवल ऊपर चले जाता है। काफ़ी सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि जब हमें कोई रिव्यू देता है या रेटिंग देता है तो क्या हम उस पर रिप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, हमारे पास रिव्यू जो है वो तो या तो गुड आएंगे या फिर बैड आएंगे। मुझे भी ऐसे बहुत सारे रिव्यूज आते हैं जो कि फेक होते हैं, जबकि उन्होंने कोई ऑर्डर भी प्लेस नहीं किया होता है, या फिर किया होता है तो मतलब बिना मतलब के कुछ भी रिव्यू लिख देते हैं वो। ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आप अपने जोमेटो मैनेजर या फिर जोमेटो को एक कंप्लेन रेज कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई ये जो रिव्यू किया गया है ये स्पैम रिव्यू है, इसका किसी भी चीज़ से लेना देना नहीं है, इस बंदे ने कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया है, या फिर अगर ऑर्डर प्लेस किया है तो इस बंदे को मैं नहीं जानता हूँ, ये बिना मतलब ही मुझे फेक रिव्यू दे रहा है। उसके बाद जोमेटो उसको चेक करेगा, देखेगा कि हाँ भाई ये स्पैम रिव्यू है कि नहीं है। बट मोस्टली जोमेटो क्या करता है, वो नहीं हटाता रिव्यू को, और यही चीज़ मुझे जोमेटो की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनका कहना ये है कि भाई ये कस्टमर का ओपिनियन है तो हम इसे नहीं हटा सकते। तो सीधी सी बात ये है कि आप जोमेटो से कोई भी भाई उम्मीद मत रखना। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है तो आपको क्या करना है कि सबसे पहली चीज़ तो है कि उस फेक वाले रिव्यू पे आपको कोई भी रिप्लाई नहीं करना है, क्योंकि आप जैसे ही उसको रिप्लाई करोगे तो सामने वाला बंदा भी आपको फिर से रिवर्ट करेगा। इसीलिए आपको फेक रिव्यूज पे कभी भी कोई भी रिप्लाई नहीं करना है। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है कि जब उनको एक की रेटिंग मिलती है तो वहाँ पे लिखते हैं कि आपने हमें एक की रेटिंग क्यों दी है, क्या कमी रह गई है, क्या मतलब प्रॉब्लम क्या है। यार आप बिल्कुल भी इस तरीके से मत करो, आप एक प्रोफेशनली काम कर रहे हो कोई चीज़ को, आप प्रोफेशनल चीज़ें दिखाओ अपनी कि मैं एक प्रोफेशनल बंदा हूँ। आप इस तरीके से रिप्लाई करोगे तो किसी को लगेगा कि इसके पास इतना टाइम है कि ये मेरे से बातें करने में लगा है वहाँ पे। कुछ लोग तो ये तक लिख देते हैं कि भाई आपने हमें एक की रेटिंग दी है, आप फेक हो, आप झूठ बोल रहे हो, हमने तो आपको अच्छे से सब कुछ दिया है। आपको कभी भी ऐसी लैंग्वेज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बिजनेस कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप कोई गली में या नुक्कड़ में कोई शॉप खोल के बैठ गए हो छोटी सी, या पान की दुकान है आपकी, कि आप इस तरीके से बात करोगे। नहीं, बिल्कुल नहीं करना है ऐसे बातें। ये यार देखो, हमारे काम को ये मतलब एक तरीके से शोभा नहीं देता है। आप इस तरीके से बातें करोगे तो आपके एटिकेट्स वगैरह पता चलते हैं, इससे पता चलता है कि भाई ओनर कैसा है। आप किसी भी बड़े आउटलेट को एक बार चेक करना जोमेटो पे जाके, और वहाँ देखना कि जो रेटिंग और रिव्यूज कस्टमर देता है वहाँ पे कितने लोगों को रिप्लाई किया उन्होंने। भाई एक लोगों को भी रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा वहाँ पे। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उनके पास तो वैसे ही टाइम नहीं है इतना। तो किसी एक के नेगेटिव रेटिंग से ऐसा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपका खाना अगर अच्छा है, आपका सब कुछ अगर अच्छा है, तो आपको देखो अच्छा ही रेट मिलेगा। इसमें कोई भी इशू वाली बात नहीं है कि उसने एक रेट कर दिया तो उसके पीछे आप लग जाओगे कि तूने मुझे एक क्यों किया है, तूने मुझे एक क्यों किया है। तो ऐसे मत करो। अगर आपके जो जेन्युइन कस्टमर है उन्होंने कोई रेटिंग दी है आपको, 3 की दी है, 4 की दी है, या फिर 5 की दी है, तो आप उस पर रिप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप उस पर नहीं भी कर सकते हो। ऐसी कोई ज़रूरी वाली बात नहीं कि आप उसको करोगे ही करोगे रिप्लाई। पर अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं पहले रिप्लाई करता था कस्टमर्स को, फेक वाले पे भी करता था, बट अब मैंने रिप्लाई करना छोड़ दिया है। क्योंकि उससे क्या होता है ना कि जब अगर आप जेन्युइन कस्टमर को सिर्फ रिप्लाई करोगे और फेक वाले को नहीं करोगे, तो बाकी जो अदर कस्टमर्स अगर आपके आउटलेट पे आते हैं तो आप वो रेटिंग वगैरह देखेंगे तो वो ये सोचेंगे कि ये भाई देखो एक वाली रेटिंग पे तो नहीं कर रहा है और 5 वाली पे कर रहा है। अगर आपको रिप्लाई करना भी है तो भाई सोच समझ के रिप्लाई करो कि मैं क्या रिप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि वो सारे लोग आपका रिप्लाई पढ़ेंगे फिर। सो फाइनली गाइस, टिक्की बनके रेडी हो चुकी है और भाई हालत खराब हुई थी, टिक्की बिल्कुल थी नहीं, इसलिए मैंने ये बनाया था। ये देखो लग रहा है ना बढ़िया। इस बार तो मैंने और भी इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें अच्छी अच्छी डाल दी है और इतनी बढ़िया लग रही है, इतनी अच्छी लग रही है टेस्ट में। तो चलो अभी बिल्कुल भी टिक्की खत्म हो गई थी तो अर्जेंट बेसिस में मैंने इसको बनाया था। तो ज़्यादा ऑर्डर बर्गर्स के आ रहे हैं, बर्गर वगैरह के आ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने फटाफट से इसको बना दिया। आज मैंने बड़ी कढ़ाई ली थी जिसमें 3 टिक्की एक साथ डालना था, नहीं तो पहले मैं क्या कर रहा था कि एक एक करके डालना था, उसमें टाइम लग रहा था। तो चलो थोड़ी साफ सफाई करता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ। ये मेरे पास एक ऑफलाइन ऑर्डर आया था जो कि पास का ही था, तो कस्टमर ने बोला था कि आप मुझे कॉल कर देना तो मैं पिक करने आ जाऊंगा जब बन जाएगा तो। और मुझसे काफ़ी सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि आप सामान वगैरह कहाँ से लेते हो सारा कुछ, तो मैं हाइपर प्योर जो मार्केट है जोमेटो की, वहीं से लेता हूँ ऑनलाइन, क्योंकि वहाँ पे मुझे ना बहुत अच्छे रेट पे मिल जाता है। और अगर देखा जाए तो वो हम लोगों के लिए ही है, मतलब जितने भी लोगों ने आउटलेट वगैरह क्लाउड किचन वगैरह स्टार्ट किया है तो उन्हीं के लिए है वो, और काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छे रेट पे, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे मिल जाता है। तो जिन लोगों का भी क्लाउड किचन है तो वो हाइपर प्योर का एक ऐप भी है, वो भी डाउनलोड कर सकता है, अदरवाइज़ वो डायरेक्टली जोमेटो पार्टनर ऐप के थ्रू भी कर सकता है ऑर्डर को प्लेस। टोटल मुझे 5 बर्गर के ऑर्डर आए थे, जिसमें से कस्टमर की रिक्वेस्ट थी कि उनको 2 बर्गर पे दो, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मेयो वगैरह चीज़ वगैरह जो भी डालता हूँ वो चाहिए, बट 2 पे थोड़े से कम चाहिए
और जो लास्ट वाला होगा उस पे तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो मैंने उनसे बोला फिर बर्गर का मजा क्या है, मैं एक में मतलब जो आप बोल रहे हो उसमें तो मैं नॉर्मल बर्गर वाली ही सॉस लगा दूंगा, बाकी मैं मियो वगैरह और चीज़ वगैरह नहीं डालूंगा। तो उन्होंने कहा कि ये किसी ओल्ड एज के लिए उन्होंने लिया है, तो मैंने बोला चलो ठीक है मैं थोड़ा सा ही लगाऊंगा बिल्कुल बर्गर की सॉस भी, बाकी मैं ये दो चीज़ इसमें नहीं डालूंगा। क्योंकि यार मैं भी ऐसे क्यों डालूं, जब किसी ओल्ड एज के लिए वो लिया है तो कुछ सोच के मतलब उनको कुछ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हो सकता है कोई मेडिसिन वगैरह चल रही हो तो कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए। इसीलिए मैंने भी जैसा कस्टमर ने मुझे बोला मैंने वैसा कर दिया। इतने में मुझे कॉल आ गई थी कस्टमर की, तो फिर मैं आगे की वीडियो शूट नहीं कर पाया था। अभी भी मैंने आज जल्दी क्लाउड विजन को ऑफ कर दिया है, आज पता नहीं क्या हो गया। वैसे मुझे ना एलर्जी है, आप सभी को बताया कि यार थोड़ी मेरी वॉइस होती है वो कोल्ड कोल्ड सी कभी कभी लगती है, तो वो इसीलिए लगती है क्योंकि यहाँ पर बहुत धूल मिट्टी अभी हो रहा है, जिसकी वजह से डस्ट वगैरह से ना मेरा एलर्जी मतलब हो जाता है जल्दी। अभी ये वुडन का जो काम चल रहा है उसकी वजह से भी मेरे नाक वगैरह में डस्ट जाती है, तो बहुत जल्दी मुझे ना ये सर्दी जुकाम हो जाता है, तो वही एलर्जी हो गया। अभी शाम के टाइम में जब मैं टिक्की बना रहा था तो उस टाइम में पता नहीं क्या हो गया, एकदम से मतलब छींक पे छींक आई और एकदम से बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया। तो उसके बाद फिर मैंने वीडियो कोई भी शूट नहीं किया है, मेरी हालत नहीं थी, फिर मैंने क्लाउड विजन को ऑफ कर दिया। अभी मैंने मेडिसिन ली है तो अभी रेस्ट करूँगा, और 2 घंटे पहले ही ऑफ कर दिया यार, क्योंकि बिल्कुल भी हालत नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है और मुझे लगता है कि ऐसे मतलब चीज़ों को देना भी ठीक रहेगा, तो इसलिए मैं ऑफ कर रहा हूँ। और अब मैं सोने जा रहा हूँ, मेडिसिन जो मैंने ले ली जिसकी वजह से बहुत नींद सी आ रही है उसी। तो चलो गाइस आज के ब्लॉग ये एंड करते हैं, आई होप आपको आज कुछ सीखने को मिला होगा, अच्छा लगा होगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है, तो वो भी आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ इंस्टाग्राम की मेरी आईडी, तो आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और किसी को बातचीत वगैरह करनी हो तो वो कर सकता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखें। ओके टाटा बाय।